गाइस टुडे इज न्यू व्लॉग। तो आज जा रहे हैं चंडी माता का दर्शन करने, जो कि पहाड़ के ऊपर है आगे। और ये हरिद्वार का पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन जो है आपको लास्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। और आगे जा रहे चंडी माता का दर्शन करने, आगे पहाड़ के ऊपर है, दिखाते हैं आपको। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना हो ओके। जैसा कि बता दे पहाड़ के ऊपर है और आपको दिख नहीं रहा है, जैसा कि पहाड़ के ऊपर है, हमको आगे जाना है पूरा सीधे। और काफी खूबसूरत नजारा है, वो भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है। और नेक्स्ट जो दर्शन किए थे वहां पे किए थे, वो देखिए जो पहाड़ के ऊपर में मंदिर है माता जी का। और ये वाला एक सेकेंड हो गया। और ये नदी का आगे और भी पहाड़ है, एक वो है जो कि आगे का दर्शन करते है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आगे में शिव जी का मूर्ति है काफी बड़ा, वो भी दर्शन करेंगे, लेकिन अभी पहाड़ से होके आते तब ओके। गाइस तो जैसा कि बता दे आगे है मंदिर, तो जैसा कि बता दे वो है पहाड़ के ऊपर में मंदिर ओके। और सबसे खतरनाक सीन तो नीचे है, पूरा खतरनाक सीन। पब्लिक सब कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि वहां देख सकते पब्लिक लोग पूरा एंजॉय ले रहा है। और आगे भी सीन बहुत खतरनाक है, और पता नहीं ये ऑटोमेटिक धस रहा है मट्टी बालू। और भी खतरनाक सीन यहाँ पे, ये भी बहुत खतरनाक सीन है। और यहां से लग रहा पुल उल बनेगा। तो गाइस से बता दे पूरा जो मजा है पूरा फुलटोस आने वाला है। और ये जो ग्राउंड है व्यू है काफी अच्छा है। और पीछे जो आप पुल है बड़ा वाला, पुल पार करके आपको सीधे जाना है, तब जाके आप चंडी माता का मंदिर देख सकते हैं। और हम ऊपर चढ़ेंगे तो पूरा व्यू खतरनाक स्टेप का दिखेगा, और देख सकते हैं व्यू ओके। तो काफी खतरनाक दिखेगा, तो आगे चलते और देखते हैं, तो थोड़ा दर्शन करते हैं। और वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फिर जाएंगे नेक्स्ट। जो भोलेनाथ का मूर्ति है वो भी काफी बड़ा है, वो भी दर्शन करेंगे ओके। तो गाइस इससे की बता दे पहुंचने वाले हैं। और बता दे तो कुंभ मेला भी हरिद्वार में लगता, आपको पता ही होगा है ना। तो अभी तो पूरा खाली है, तो और भी मजा आता है, ठीक है। मैंने पूरा भी खाली है और भीड़ रहता तो और भी मजा आता, दोनों तरफ से मजा ही है। अभी जो पहुंचने वाले सामने ही में है ओके, तो बहुत मजा। तो गाइस जैसे कि बता दे आगे मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, कम दूरी है ओके। गाइस तो जैसा कि बता दे पुल पार हो चुका है, पुल पार होने बाद अभी जो है पहाड़ के ऊपर में चढ़ाई हो रहा है, तो काफी तो गाइस इससे बता दे मंदिर की ओर जाते हुए। और यहाँ हर तरफ ऐसा बंदर उंदर दिख रहा है, और घोड़ा भी है, ये घोड़ा और पूरा ऐसा खुलेआम घूम रहा है ओके। यहाँ कोई है भी कि नहीं हमको नहीं पता, बट ऐसे घूमते रहता है। और थोड़ी दूरी में है ऊपर जो पहाड़ है, थोड़ी दूरी में चलते हैं, काफी मजा आता है ऐसे घूमने उमने में, ठीक है। बस आप लोग भी सपोर्ट करिएगा तो और आगे जाएंगे। गाइस तो आगे बैरिकेड देखे, बैरिकेड से डायरेक्ट ऊपर की ओर ओके। तो गाइस से की बता दे जंगल की ओर घुस चुके हैं। जंगल की ओर घुसने के बाद जो नजारा है बहुत भयानक है। और हमको सीधी चढ़ाई, सीधी नहीं मतलब चढ़ाई काफी अच्छा है, चढ़ाई करते हैं, बोलो जय माता दी। ऊपर चढ़ते चढ़ते पूरा रोल हो गया जंगल में, रोल वही थोड़ा सा थक गया है, इतना जल्दी थकते नहीं है भाई हम। चढ़ाई जो है चढ़ते रहना, यही से रास्ता है ना। तो जैसा कि हम बता दें यहाँ से जो पब्लिक, यहाँ पे जो पब्लिक रहता है उससे हम पूछे, तो यहाँ जंगल जंगल तो ही है,
लेकिन सांप, टाइगर, एलिफेंट सब मिलेगा, ठीक है। और जो है बहुत भयानक। और ऐसे हम बता दें, ये झारखंड जमशेदपुर में दलमा पहाड़ है, दलमा पहाड़ में भी चढ़े, वो भी बहुत खतरनाक है। लेकिन वाला चढ़ाई था रात को, कम से कम चढ़ाई था, वो भी जमशेदपुर का सबसे बड़ा पहाड़ है, वो भी सबसे बड़ा पहाड़ था। और भोलेनाथ का शिवलिंग था, सावन का दिन में चढ़े थे, ठीक है। योला है जाते इसमें, ठीक है। और चढ़ाई यहाँ से, ठीक है, चलते। तो गाइस से पहुंचते तो थोड़ा सा दूरी में काली माँ का मंदिर मूर्ति है, और हमको और भी आगे जाना है, जो कि आप देख रहे हो वहाँ मंदिर, और चलते रहना है। तो यहाँ से अभी चलते 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 तो मंदिर जो है थोड़ा और ऊपर में है, वो बस थोड़ा ही दूर है, पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जो है पीछे की ओर जन्नत, बादल पूरा है सही। और हमको जल्दी जाना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे लिए, कम से कम अभी एक बस्ता होगा, है ना। और जल्दी से काम तमाम, भगवान के दर्शन कर लेना। हमको नीचे से सामने दिखा जब चढ़े, भैंस की आंख इधर उधर इधर उधर पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चढ़ते चढ़ते काफी दूरी पे, अभी तो थोड़ा ढलान है इस टाइप का है। ओके, ये देखिए अभी थोड़ा ठंडा हवा, मजा कि यहाँ पे कुछ वार्निंग बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वन जीवों को परेशान ना करें, मतलब खुद डरते भाई सबसे, ठीक है। जंगल ऐसा ही है, ओके, घना जंगल। जैसा कि बता दे, चंडी माता का मंदिर पहुंच चुके हैं, ओके, मंदिर है सब, मंदिर जनक, ठीक है। तो अंदर पहुंच के हम दर्शन कराते हैं, ठीक है, काफी चढ़ाई के बाद। तो वैसे मंदिर आ गया है, ओके, ऊपर गणेश भगवान का मूर्ति दिखेगा, और जूता चप्पल यहीं पे खोल सकते हैं, बाहर पे ही है। और माता जी का मंदिर, ओके, और आपको भी दर्शन कराएंगे, जय माता दी, चंडी माता जी है, ठीक है। तो अंदर की ओर, पूरा खाली है यार, ऊपर सीढ़ी की ओर, ओ माय गॉड। तो जैसे ये सर जो पूरा बहुत भारक सीन है, ओके, जैसा कि गाइस बता दे, दर्शन हो गया। और अंजनी माता जो कि हनुमान जी का माता है, उसको भी थोड़ा आपको दिखाते हैं, आगे है, ओके। तो आगे चलते चलते,
तो गाइस ये पूरा भानक सा जगह, ओके। और जैसा कि यही है नजारा, और भी दिखाएंगे आपको। ये ऊपर का सीन, तो आगे बता दे अंजनी माता है, हनुमान जी की माता, ठीक है। तो आगे जाते जाते वो जो मंदिर देख रहे हैं, अंजनी माता जी मंदिर है, ठीक है। समझ सकते नहीं इतना दूर, आगे जो मंदिर है, ओके, वाला भी मंदिर हम गए थे और फिर हम ये मंदिर आए, बहुत भयानक। देखने से आपको लगता है कि हर चीज क्या है सामने सामने, चढ़ने घड़ी अब सोच रहे ना ऊपर से देखने से तो और भयानक, समझ रहे। मान लेते यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से जाइएगा कितना पैदल चलना पड़ेगा तो ऊपर सीढ़ी के ऊपर है माता जी, गाइस तो इसे बता दे भगवान का दर्शन हो चुका है। दर्शन होने के बाद डायरेक्ट नीचे की ओर, ठीक है, और नीचे की ओर यहाँ से जाएंगे। हम आए थे उस साइड से, इस साइड से भैया बता रहे 3 किलोमीटर, और सभी लोग देख रहे नीचे से आ रहा है, तो यहीं से चलते हैं, ठीक है। और आपको जो रास्ता हम चुने हैं वो थोड़ा बहुत भयानक है और डायरेक्ट नीचे की ओर जा रहा है, और हमको मेरा मंजिल आगे की ओर है, ठीक है। भले वीडियो में आपको दिखता सामने सामने, बट असली आंख से आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि यार रोल है ना, और जरा से भी चूक मौत की घाट। तो गाइस अभी पूल में है, ठीक है, मूर्ति वहां पे, चलते हैं यहीं से। वैसे क्या सब पुल बंद करके रखा समझो ना भाई, कभी इधर कभी उधर, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो हमको लग रहा है आगे की ओर जाना पड़ेगा, और ये है घंटाघर, ओके, काफी बड़ा, मेरे हिसाब से छोटा है भाई। तो आगे यहाँ बेटा गंदा बहुत है, पब्लिक साफ करता लेकिन पब्लिक गंदा करते थे क्या बोले। और एक ये है माता जी का मूर्ति, ओके। और यहाँ पे एक से एक डिजाइनिंग आपको मिल जाएगा, जो भी ये सामान आपको लेना है, बैग टोपी। तो अंदर की ओर जाते हैं, और ये अंदर का सीन स्टेप आपको दिखने को मिलेगा, और ये है मूर्ति भोलेनाथ की। ओके, तो ये है कम से कम 70 फीट का भोलेनाथ का सिर्फ मूर्ति, ठीक है।